हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने 2024 की बजाज एवेंजर 220 क्रूज और ये बाइक 220 सीसी के इंजन के साथ आती है। और इस बाइक में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, 2024 में इसको लेना सही है या नहीं, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये एक बाइक जो है क्रूजर सेगमेंट में है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है देखने में। अगर इसको साइड बॉडी प्रोफाइल से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथ में बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी बाइक है ये, और देखने में भी एक अच्छी खासी खूबसूरत लग जाती है, मतलब इतनी बुरी नहीं लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट का कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, 737 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है। पीछे वाले टायर का साइज़ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, 130 mm का आपको टायर मिल जाता है, ट्यूब वाला ही, इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं। और इसमें सेम इंजन आपको 220 वाली पल्सर 220 का मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंजन पे कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है, और इसमें DTSI वाला इंजन मिल जाता है। और इसके ब्रेक जो है वो थोड़े से आगे की तरफ है, क्योंकि ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक है तो आपको टूरिंग वगैरह करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं इसके फ्रंट की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आपको बड़ी सी ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड मिल जाती है, जो कि इस बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देती है। और 2 DRLs मिल जाते हैं आपको हेडलाइट सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और बीच में आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन टाइप का बल्ब मिल जाता है, जो कि 35 W का दिया गया है, जो कि रोशनी में भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा देगा। इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। बाकी 280 mm की डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, नॉन ब्रांडेड कैलिपर, 90-90-17 का फ्रंट में ट्यूब वाले टायर, क्योंकि इसमें स्पोक रिम आते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि दूर के तरीके से दिए गए हैं तो एक गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होकर और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्रूजर सेगमेंट से अगर इस बाइक को देखा जाए तो। यहाँ पर आपको एवेंजर का लोगो मिल जाता है टैंक पर। बाकी यहाँ पर अगर आप टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और इंजन और पावर की बात करें नहीं तो इसमें आपको 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SOHC ऑयल कूल ट्विन स्पार्क DTSI वाला इंजन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको अगर इस मीटर कंसोल की बात बताएं तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पर नॉर्मल सा क्लच मिल जाता है, क्लच जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह भी इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। हैंडल कुछ आपको देख सकते हैं बेंड टाइप का दिया गया, E20 फ्यूल को ये सपोर्ट कर लेती है। यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन लाइट मिल जाती है, जैसे बजाज का लोगो, न्यूट्रल, ABS की लाइट, सिंगल चैनल ABS आता है, डबल चैनल इस बाइक में नहीं आता है दोस्तों। कुछ मीटर की स्टार्टिंग इस तरीके से देखने में मिल जाएगी, जिसमें आपको ओडोमीटर, Trip 1, Trip 2 देखने को मिल जाएगा। बाकी चाबी की बात करें तो चाबी आपको नॉर्मल सी देखने को मिल जाएगी, कोई वेव की नहीं मिलती है। और यहाँ पर आपको हैंडल बार में या टैंक पर कहीं भी की पॉइंट नहीं मिलेगा, की पॉइंट आपको यहाँ मिलता है नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको चाबी लगाना है और यहाँ पर राइट घुमाना है तो इसका इग्निशन जो है वो ऑन हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको इसमें माइलेज की बात करें तो 35 से 40 की माइलेज मिल जाती है। यहाँ पे पासिंग का बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट भी ब्लिंक करती है, अपर डिपर इंडिकेटर, नीचे मिल जाता है हॉर्न का बटन। क्लच में आपको बताया काफ़ी लाइट है, क्रोम फिनिशिंग का क्लच एल्युमिनियम में, और लास्ट में आपको क्रोम का वो मिल जाते हैं हैंडल बार, रेड कलर का इंजन ग्रिल, स्विच, हेडलाइट का बटन। तो चलिए एक बार 220 एवेंजर की भी साउंड को सुनते हैं। तो चलिए एक बार इसके मीटर में भी हम लोग जान लेते हैं कि और क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं मोड सेलेक्ट की बटन मिल जाती है, जिससे कि आप अपना फ्यूल और क्या बोलते हैं टेम्परेचर देख सकते हैं। बाकी आपको डिजिटल क्लॉक, साइड स्टैंड की वार्निंग, ब्लू कलर की लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। बाइक को कर देता हूँ बंद। और यहाँ पर अगर मैं इसके माइलेज वगैरह की बात करूँ तो 35 से 40 की माइलेज, और टैंक आपको फुल मेटल बॉडी में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एवेंजर का स्टिकर। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ अगर इंजन की बात करें तो आपको इंजन में 19 PS की पावर मिल जाती है, 220 वाला सेम इंजन मिल जाता है। यहाँ पे बैकरेस्ट हेलोजन टाइप की टेल लाइट, और पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर मिल जाता है देखने में, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। गाड़ी में आपको पीछे वाला टायर 15 in का और आगे वाला टायर आपको 17 in का देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, मेन स्टैंड इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। चैन सेट कवर ओपन रखा गया है। बाकी और यहाँ पर अगर आप
देखेंगे तो मॉडल कुछ इस तरीके से, बैकरेस्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, 169 mm के ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और इसमें आपको मिल जाते हैं 5 गियर जो कि 220 cc के इंजन के हिसाब से ठीक रखे गए हैं। और बजाज एवेंजर 220 क्रूज़ को 2024 में लेना सही है कि नहीं? भाई देखो, जो लोग क्रूज़र सेगमेंट के हैं, जो क्रूज़ करते हैं, उनके लिए इंजन और ये बाइक दोनों कंफर्टेबल रहने वाली हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 145,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस 178,000 रुपये SRM बजाज लखनऊ में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एवेंजर 160 स्ट्रीट भी देखने को मिल जाएगी। पल्सर 220 का ब्लूटूथ मॉडल मिल जाएगा जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और बजाज पल्सर 220 की जो ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी आप 174,000 रुपये। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें।